हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण है और आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक वर्ल्ड व्हीकल्स। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ जो कि रियल टाइम रिव्यू है। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो M2 Go की तरफ से आता है और इस स्कूटर का जो नाम है वो सिविटॉस इलेक्ट्रिक स्कूटर है। बेसिकली इस कंपनी ने 2 मॉडल को लॉन्च करती है और इस स्कूटर का फ्रंट व्यू देख सकते हो। फ्रंट पे जो इसका हेडलैम्प है वो गोल शेप दिया जाता है और ऊपर क्रोम की गार्ड दिया गया है जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक लगता है इस स्कूटर का। और हाई बीम लो बीम आप देख सकते हो और कुछ इस तरह फ्रंट व्यू देखने को मिलता है। और साइड पे दोनों जो है तो 10 इंडिकेटर लाइट्स मिल जाती हैं, प्लस बीच पे आपको लोगो मिल जाता है। और इस स्कूटर का जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार रखा गया है। और साइड इंडिकेटर की आप लुक देख सकते हैं ग्लो होने के बाद कैसे लगता है ये। और लंबे शेप पे जो साइड इंडिकेटर दिया गया है वो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पास से 10 इंडिकेटर स्लाइड्स हैं, उनको आप पार्किंग मोड पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और बेसिकली इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के यदि नीचे की ओर बात की जाए और व्हील की बात की जाए, जो इसमें अलॉय व्हील दिए गए हैं वो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं और प्रीमियम लुक लगता है इसका। और इस स्कूटर में बेसिकली यदि सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए, जो कि ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है वो पे डिस्क ब्रेक मिलता है, इसके साथ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की यदि रेंज की बात करें तो एक बार चार्ज करने में 120 किलोमीटर का रेंज मिलता है। और इस स्कूटर में स्पेस भी आप देख सकते हैं, फुट रेस्ट का जो स्पेस है वो ठीक ठाक यहाँ पास देखने को मिल जाता है। इसके साथ है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिया गया है, वो स्पीडोमीटर जो है तो सेमी डिजिटल यहाँ पास है स्पीडोमीटर मिल जाता है। इसके साथ है 10 इंडिकेटर लाइट्स वगैरह जो दिए गए हैं, स्विच जो है वो काफ़ी स्मूथ और ठीक ठाक मिल जाती है। सिविटॉस में बेसिकली यदि बात की जाए मीटर की, टेकोमीटर की, तो आपको एक प्रीमियम लुक देता है। यदि आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को जब फिर राइड करोगे, चलाओगे, तो काफ़ी अच्छा आपको महसूस होगा और काफ़ी अलग फील होने वाला है इस स्कूटर को आपको चलाने के बाद। तो आप टेस्ट राइड इस स्कूटर का ज़रूर करें। यदि आप दिल्ली पे रहते हो तो तो आप शोरूम पे विजिट कर सकते हो। दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो टॉप स्पीड है वो समथिंग मिलता है 60 के अप्रॉक्स। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में लो बैटरी इंडिकेटर का भी ऑप्शन मिल जाता है और बैटरी कितनी चार्ज आई ये भी आपको देखने को मिलेगा मीटर पे। यहाँ पास USB पोर्ट मिल जाता है जो कि मोबाइल को आप चार्ज कर पाएंगे इसके हेल्प से। इसके साथ यहाँ पास से कैरी हुक की मिल जाता है और ये की रिमोट देखने को मिलता है जो कि आप रिमोट से भी इसको स्टार्ट कर पाएंगे इस स्कूटर को। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स वगैरह दिए गए हैं इस स्कूटर में। बेसिकली M2 Go जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो फुली मेड इन इंडिया है और आप देख सकते हो इस की हेल्प से मैं इस स्कूटर को स्टार्ट करें जो कि इजी तरीके से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ इस स्कूटर को 20 फीट दूरी से या 30 फीट दूरी से आप इस स्कूटर को स्टार्ट और लॉक वगैरह कर पाओगे। दोस्तों, बेसिकली यदि इस स्कूटर की ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें या ब्रेक वगैरह की देखा जाए तो काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी रखा गया है। कुछ इस तरह आपको प्रोफाइल देखने को मिलेगा जब आप इस स्कूटर पर बैठोगे। और यदि सीट की बात की जाए तो सीट काफ़ी कंफर्ट इस पे आपको मिलने वाली है। इसके साथ ही यदि बैक प्रोफाइल की बात करें तो आपको कुछ जो टेल लैंप दिया गया है वो कुछ इस तरह नज़र आएगा। इसके साथ साइड इंडिकेटर आपको देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह आपको मिलने वाला है इस स्कूटर पे। और ग्रैब रेल वगैरह यहाँ पास काफ़ी हटकर दिया गया है और प्रीमियम लुक लगता है। दोस्तों, इसमें एक बात मेरे को ये अच्छी लगी कि जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी मजबूत बनाई गई है इस स्कूटर को। और इस साइड फुटरेस्ट मिल जाता है पैसेंजर को, तो
यहाँ पास एक बटन मिलती है, उसको प्रेस करना पड़ता है, इसके बाद ये ओपन होता है और ये बॉडी फिटेड ही मिलता है इस स्कूटर में। आपको एसेसरीज वगैरह में लगाने की ज़रूरत नहीं है साइड फुट रेस्ट को, और काफ़ी प्रीमियम लुक लगता है। बेसिकली इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं और बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ इसमें जो डिज़ाइन बनाया गया है वो काफ़ी हटकर इस पे दिया जाता है। और यहाँ पास सिविटॉस आप देख रहे हो लिखा हुआ मिलेगा साइड पे, जो कि 3D वेजिंग पे मिलता है। दोस्तों साइड इंडिकेटर्स आया ग्लो होने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह मिल जाता है, जो कि LED यहाँ पास से साइड इंडिकेटर्स मिलते हैं और टेल लैंप भी साइड फुली LED दिए गए हैं। दोस्तों इसके बाद यदि रियर ब्रेक वगैरह की बात करें तो सेफ्टी फीचर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पास से डिस्क ब्रेक दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पास सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम इस पे दिया गया है, यानी कि आप फ्रंट का जो ब्रेक है वो यदि प्रेस करते हो लगाते हो तो पीछे का भी हल्का प्रेस होगा, मतलब कि हल्का ब्रेक लगेगा। तो ये अच्छा खासा फीचर्स इस पे दिया गया है। और कुछ आप यहाँ पास यदि बूट स्पेस की बात करें तो इसमें एक डिसएडवांटेज मिलता है कि बूट स्पेस आपको नहीं मिलता, और यहाँ पास MCB मिल जाती है इसे इलेक्ट्रिक स्कूटर की। और कुछ इस तरह प्रोफाइल देखने को मिलेगा, अंडर सीट स्टोरेज भी आपको नहीं मिलती, यहाँ पास बैटरी रखने का स्पेस दिया गया है और ये वायर है बैटरी को कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पास जो बैटरी मिलती है वो लिथियम आयन की बैटरी दी जाती है, जो कि यदि कैपेसिटी वगैरह की बात करें तो 72 वोल्ट 29 AH की इस पर बैटरी मिलती है, जिसको चार्ज करने में सिर्फ 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है। दोस्तों बेसिकली इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में फुली सेफ्टी वगैरह को ध्यान में रखते हुए यहाँ पास चार्जर पोर्ट मिल जाता है। इसके साथ इसमें जो चार्जर मिलता है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट इस पे चार्जर दिया गया है, और ओवरऑल आप इसका लुक देख सकते हो। और इस स्कूटर पे जो है तो फ्रंट की डिज़ाइन वगैरह की बात करें तो काफ़ी सिंपल तरीके से तैयार किया गया है, और साइड पे आपको क्रोम फिनिशिंग की एक लाइन देखने को मिलेगी, जो कि इस पे काफ़ी प्रीमियम लुक लगता है और अपीलिंग लुक यहाँ पास देखने को मिल जाएगा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का। ये क्रोम जो इसमें वेजिंग की गई है, क्रोम का जो लाइन दिया गया है, अब यहाँ पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह में भी क्रोम फिनिशिंग का यहाँ पास आपको लाइन देखने को मिलेगा। दोस्तों यदि टेस्ट राइडिंग की बात करें तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है इस स्कूटर का काफ़ी ज़बरदस्त रहा है, और सीट की यदि बात करें तो सीट काफ़ी कंफर्ट आपको यहाँ पास से मिलने वाली है इस स्कूटर की। और जो सेमी डिजिटल यहाँ पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो मिलता है वो भी काफ़ी यूनिक है, और ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसमें जो आप चलाते हो जब तो ब्रेक वगैरह जो है तो काफ़ी सिंपल दिए गए हैं, यानी कि आप जब ब्रेक प्रेस करते हो तो इसमें आवाज़ वगैरह देखने को नहीं मिलती, नहीं आती। और मोटर की बात करें तो 2020 वाट की इस पे मोटर दी गई है, जो कि फुल्ली वाटरप्रूफ है और हब मोटर इस पे दिया जाता है। दोस्तों यदि बात करें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइसिंग की तो 98,000 के अप्रोक्स आपको यह स्कूटर मिलने वाला है, और लोड कैपेसिटी की बात करें तो 180 kg आप इसमें लोड कैरी कर सकते हैं। आपको M2 गो का जो सिविटॉस मॉडल है उसकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक कमेंट जरूर कर सकते हैं, यदि आपका कुछ डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स तो खाली है, ज़रूर आप कमेंट करें। और यदि आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सपोर्ट बनाए रखें और सब्सक्राइब जरूर कर लें।